गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, ठीक है, और टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके थे। सेंटेंस का अगला टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है? तो देखिए इस टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। कौन सी आती है? है। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्लियर, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, दोनों के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, है। और यदि बात करते हैं मेल वर्ब की, तो मेल वर्ब के रूप में हमेशा कौन सी फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। अब देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी क्या बनेगी, सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कौन सी आ जाएगी, है, इसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी, यदि वाक्य में कुछ शेष बचा हुआ है तो, क्लियर। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है क्या वर्षा हो चुकी थी। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या वर्षा हो चुकी थी, ठीक है, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। वर्षा होना ये क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे में क्या लिखेंगे, ऐसे में हम लिखेंगे यहाँ पे इट, क्या लिखेंगे, इट सब्जेक्ट काम में लिखे। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या गया जी, है, उसके बाद में क्या लगा देंगे आपके इट लगा देंगे, क्लियर। उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्षा होना, रेन, और इसमें क्या लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा हैड इट रेन, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव साइन लिख देते हैं, क्लियर हो गया। देखिए फिर से देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, और जब सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इनका प्रयोग किया है, क्लियर। और उसके बाद भी केवल वर्षा होना, ये क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दी, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दी है। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है क्या अमेरिका इराक पर हमला कर चुका था। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी क्या है, है। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, अमेरिका, तो यहाँ लिखेंगे अमेरिका, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमला करना, अब देखिए हमला करने को बोलता है अटैक, और इसी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या, अटैक, इसमें ईडी लगा देते हैं, और ये क्या हो जाएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहां बन जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे अटैक, ठीक है। अब किस पर हमला कर रहा है वो, इराक पर, ठीक है, तो यहां लिख देंगे और इराक, और लास्ट में क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव साइंस लगा देंगे, क्लियर है। देखिए क्या लिखा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में क्या बचा हुआ है, और इराक, यानी कि इराक पर, तो लास्ट में लिखते हैं आपके और इराक। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या वे गंगा में स्नान कर चुके थे, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या दिया गया है, वे, ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, दे आ जाएगा, क्या आएगा, दे। उसके बाद स्नान कर चुके थे, तो स्नान करने को क्या कहते हैं, स्नान करने को कहते हैं टेक बाथ। अब यहाँ पे क्या लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, और स्नान को क्या कहते हैं, बाथ, क्या कहते हैं, बाथ, तो ये बन जाएगा हैड दे टेकन बाथ, कहाँ पे, गंगा में, और लिख देंगे इन गंगा,
ठीक है, ये इस नदी का नाम है, तो किसमें लिखा है कैपिटल लेटर में इसको स्टार्ट किया गया है। और सबसे लास्ट में क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क साइन लगा देते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा, हैड दे टेकन बाथ इन गंगा। अब देखिए इस तरीके से क्या बनेंगे हमारे इंटरव्यू सेंटेंस बनेंगे। केवल इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की हार्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में एटीसी यदि वाक्य में कुछ बचा हुआ है। इसके बाद में सेंटेंस का फोर्थ टाइप आता है हमारा कौन सा, इंट्रोगेटिव नैरेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव नैरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अभी हमने जो ऊपर पढ़े थे ये कौन से थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव है और यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो क्या है दोनों में जो अंतर है क्या है, केवल क्या है नोट का अंतर है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से सब्जेक्ट के तुरंत बाद में इसका प्रयोग किया जाता है, नोट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में ईटीसी यदि वाक्य में कुछ शेष बचा हुआ है तो उसको रख देते हैं, और सबसे अंत में इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया जाता है। क्लियर? अब देखिए पहला एग्जांपल देते हैं, क्या वह एक गाना नहीं गा चुकी थी। अब देखिए कैसे बनेगा ये सेंटेंस है, तो जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में सेम ही आएगी, तो यहाँ लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ लिखेंगे सी। अब उसके बाद में नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म कौन सा कार्य किया जा रहा है, गाने का कार्य किया जा रहा है। तो देखिए सिंग एस आई एन जी क्या ये वर्ब है, ठीक है, इसका अर्थ होता है गाना, और इसी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग, क्या हो जाएगी संग। तो यहां लिखेंगे संग एस यू एन जी। क्लियर? अब क्या गा चुकी थी वो एक गाना, तो ना लिखेंगे लास्ट में ए सॉन्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए क्या राम कपड़े खरीदने के लिए बाजार नहीं जा चुका था, क्या राम कपड़े खरीदने के लिए बाजार नहीं जा चुका था। तो सबसे पहले रखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद में राम सब्जेक्ट है तो यहाँ लिख देंगे राम। क्लियर? अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ लगा देंगे नॉट। क्लियर? अब क्या लिखना है, वर्ब की हर फॉर्म, देखिए किसके लिए वो जा चुका था, ठीक है, तो ये क्या है हमारी मेन वर्ब, और जाने को क्या कहते हैं वो, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गॉन। अब कहां पे जाएगा, बाजार, तो जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो गॉन टू मार्केट। क्लियर? अब देखिए इसके बाद में वाक्य में क्या बच गया, कपड़े खरीदने के लिए। अब देखिए एक वर्ब यहाँ पे दी गई है और दूसरी वर्ब यहाँ पे दी गई है, तो इसको कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हमने लिखते हैं टू, और जब भी टू का प्रयोग करते हैं तो टू के बाद में क्या आता है, हमेशा विभिन्न काम में ली जाती है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो टू के बाद में खरीदने को क्या बोलते हैं, बाई, यहाँ लिख देंगे टू बाई। क्या खरीदने का है ना, कपड़े, तो यहाँ आ जाएगा क्लॉथ, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव साइन लगा देते हैं। इसके बाद में अगला एग्जांपल है, क्या दिया गया है, क्या उसने मुझे अपनी किताब
नहीं दी थी। अब देखो यहाँ पे जो पहचान दी गई है क्या दी है, दी थी। तो देखिए इसकी जो पहचान होती है ये यही होती है यदि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, दी थी, आ थी, ठीक है, या फिर ए थी आदि शब्द भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई थी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस होगा कौन से टेंस को होगा, आठ परफेक्ट टेंस का होगा। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, है, कौन सी आ जाएगी, है। उसके बाद में उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, क्या उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। तो यहाँ पे अब रखना है सब्जेक्ट, क्या लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं और ही का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे नॉट आ जा रहा, क्लियर। उसके बाद में वर्ब देना, तो देने को बोलते हैं गिव और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, क्लियर। अब इसे मुझे, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, यहां लिखेंगे गिवन मी। अब क्या लिखी, अपनी किताब, तो यहां आ जाएगा राष्ट्र में जाएगा हर बुक। और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, क्लियर है। तो ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नोट का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ में टेंस हमारा समाप्त होता है। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे किस पे, एड वर्ब पर, क्लियर। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।